हाय हेलो दोस्तों, पीके ब्लॉकर जोन में आपका स्वागत है। भाई आज आया हूँ मैं खतौली और यह है खतौली का बस स्टैंड। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप तक पहुँच सके। इससे आगे चलते हैं भाई, ये है यहाँ पर बस स्टैंड, जो ये बुढ़ाना बस स्टैंड लगता है और यहाँ से लेफ्ट में ये रास्ता जाता है बुढ़ाना की तरफ। ये यहाँ बस खड़ी होती है बुढ़ाना के लिए और ये प्राइवेट। इससे आगे भाई मैं लेके चलूँगा आपको मैन चौराहे की तरफ, जो खतौली का घंटा घर की तरफ है। ये भाई यहाँ पे एंड हो चुका है और ये चौराया है भाई। यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाते हैं हम मुजफ्फरनगर की तरफ और राइट जाते हैं मेरठ की तरफ। अब इसके बाद भाई मैं आगे लेके चलूँगा आपको बाज़ार की तरफ। इससे पहले आपको यहाँ पे थाना मिल जाएगा, थोड़ी आगे जैसे बढ़ोगे आप 250-300 मीटर तो लेफ्ट की तरफ आपको थाना मिल जाएगा। चलो भाई आगे लेके चलूँगा मैं बाज़ार की तरफ। ये रहा यहाँ पे थाना, आप देख सकते हो कोतवाली खतौली की, ये रहा कोतवाली। और इससे आगे भाई मैं थोड़ी आगे बढ़ूँगा, फिर हम चलते हैं मैन बाज़ार की तरफ खतौली में। ये भाई हम बढ़ रहे हैं मुजफ्फरनगर की तरफ और ये सामने आपको मैन चौक नज़र आया है, जो एक रास्ता जाता है जानसठ और एक जाता है ये बाज़ार में। चलो पहले लेके चलूँगा मैं आपको बाज़ार की तरफ। ये है खतौली का काफ़ी बड़ा बाज़ार। यहाँ पे भाई पूरी कपड़े की शॉप है, ये आप देख ही रहे हो, पूरी मार्केट कपड़े से भरी हुई है। और ये है बस स्टैंड के चौराहे पर, भाई ये मार्केट लंबी 1 किलोमीटर तक का है आगे तक। ये देखिए कितनी अच्छी मार्केट है और कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई। पहले चलो इधर दिखाता हूँ भाई, यहाँ पे सहरा वगैरह मिल जाएगा। इधर यहाँ पे भाई मार्केट की एंड हो चुकी है, मैं लेके चलूँगा अभी आपको दूसरी तरफ। ये इधर बढ़ते हैं भाई हम दूसरी तरफ। ये देखिए इधर भी यहाँ पे कपड़े की शॉप है। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे भाई यहाँ पर, ये भी अब ज़्यादा दूर तक नहीं है इतनी लंबी, ये भी यहाँ पर एंड हो चुकी है। चलो अब लेके चलता हूँ मैं आगे की तरफ, एक मार्केट लगती है ये भाई। इधर चलते हैं हम बाज़ार की तरफ, ये भी यहाँ पे भाई कपड़े की मार्केट है। और जो परचून बर्तन की दुकान है मैं उस पर भी अभी लेके चलूँगा कुछ देर में आपको। तो भाई मैंने ये भी मार्केट आपको दिखा दी, इसके बाद चलते हैं अब हम घंटा घर की तरफ। चलो आगे बढ़ते हुए दिखाता हूँ मैं आपको, ये मैन चौराया आ चुका है यहाँ पे खतौली का। ये भाई खतौली का लगता है मैन चौराया। और अब मैं बढ़ता हूँ मुजफ्फरनगर की तरफ घंटाघर की तरफ। ये रास्ता जाता है आगे घंटाघर सीधा। ये यहाँ पे भाई बस स्टैंड लगता है खतौली का। और आगे देख रहे हो आप सामने, वो है यहाँ घंटा घर जो दूर से नज़र आ रहा है। अब एक मार्केट भाई इधर भी है, मैं लेके चलूँगा अभी आपको। चलो मैं लेके चलता हूँ, जो घंटा घर के पास में मार्केट है, बाज़ार है, बाज़ार के अंदर मैं लेके चलता हूँ अभी आपको। ये भाई यहाँ से बिल्कुल सामने लेफ्ट की तरफ रास्ता पड़ेगा हमारा, ये रहा। अब लेके चलूँगा मैं आपको अंदर की तरफ बाज़ार में। ये रास्ता मुड़ता है भाई यहाँ से बाज़ार की तरफ। मैं दिखाता हूँ अभी आपको बाज़ार के व्यू थोड़ा आगे चल के। भाई ये मार्केट है पूरी, ये मार्केट है जो घंटा घर से थोड़े ही आगे 100 मीटर की दूरी पर है।
और यहाँ पे आपको बच्चे के कपड़े मिल जाएंगे, शूज मिल जाएंगे। इस वाली मार्केट में तो भाई सभी सामान आपको मिल जाएगा यहाँ पे। परचून की भी शॉप है काफ़ी। ये देखिए भैया, आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे। भाई थोड़ा मार्केट अभी बंद है, अभी तक ओपन नहीं हुई मार्केट। और ये रही इधर बर्तन की शॉप भाई। तो भाई ये मार्केट में दिखाई रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपको बच्चों के खेल खिलौने के सामान भी मिल जाएंगे और इधर सुनार की भी काफ़ी दुकान है। और सबसे ज़्यादा है भाई इस मार्केट में परचून की दुकान, और जो पहले दिखाई थी मैंने उसमें थी कपड़े की दुकान। कपड़े की तो भाई इसमें भी है, पर इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है। और भाई फिर अब मैं इसके बाद आपको ले कर चलूँगा जानसठ रोड की तरफ, और फिर जाएंगे हम रेलवे स्टेशन। भाई ये खतौली इधर मुजफ्फरनगर की तरफ एंड हो ही लिया, आगे आएगी हमारी गंगा। गंगा मैं बाद में दिखाऊंगा, इससे पहले चलते हैं भाई जानसठ की तरफ। ये रास्ता जाता है भाई, सीधा जाएगा जानसठ, और जो पुल के बराबर से जाएगा हमारा रेलवे स्टेशन। चलो भाई मैं पहले लेके चलता हूँ आपको रेलवे स्टेशन पे, दिखाता हूँ खतौली का रेलवे स्टेशन आपको। ये भी भाई मार्केट लगती है यहाँ पे, ये भी बाजार है। ये देखिए यहाँ पे भी, और ये सीधा यहाँ से रास्ता भाई राइट में जाएगा हमारा रेलवे स्टेशन पे। ये देख रहे हो आप, इधर भी मार्केट। और भाई मैं यहाँ से पहुँच चुका हूँ रेलवे स्टेशन खतौली का। ये देखिए भाई खतौली के स्टेशन पे मैं आ चुका हूँ, और अंदर से दिखाता हूँ आपको टिकट घर और स्टेशन। ये है खतौली का भाई यहाँ पे टिकट घर, और अंदर चल के दिखाता हूँ ये है यहाँ पे स्टेशन भाई। ये देख सकते हो खतौली का स्टेशन। ये देखिए भाई खतौली का स्टेशन है ये, और ये जा रही है इधर से मालगाड़ी, और ये निकल गई भाई दिल्ली से आई थी, ये जाएगी सीधा हरिद्वार। तो भाई मैंने आपको रेलवे स्टेशन दिखाई दिया, इसके बाद चलते हैं भाई जानसठ अड्डे की तरफ। आपको दिखाता हूँ मैं जानसठ अड्डा, और ये है भाई मेल। खतौली में मेल है काफ़ी, गन्ने का मेल है, काफ़ी बड़ा है रेलवे स्टेशन के पास में, और एक रास्ता बराबर से भी जाता है लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ सीधा जाएगा ये यहाँ से भाई स्टेशन की तरफ। ये रहा यहाँ पे मेन गेट मेल का, और भाई आगे चल के दिखाता हूँ मैं आपको जानसठ का बस स्टैंड। भाई ये रास्ता मीरापुर जाता है जानसठ, सीधा जाएगा मीरापुर और लेफ्ट की तरफ जाएगा जानसठ। ये देखिए आप सामने यहाँ पे, ये सीधा रास्ता जाता है मीरापुर और लेफ्ट में जाएगा हमारा जानसठ। ये रहा यहाँ से, और इसके बाद भाई ये तो मैंने आपको दिखाई दिया, यहाँ पे बस स्टॉप लगता है मीरापुर का। मैं लेके चलता हूँ आपको गंगा की तरफ। ये है भाई नहर, खतौली नहर, आप देख ही रहे हो काफ़ी बड़ी नहर है। ये घाट बना हुआ है यहाँ पे, और इधर भाई आप कुछ खा पी सकते हो, इधर ठेली लगी हुई है। चलो हम चल के कुछ खाते पीते हैं भाई, अभी देखते हैं कुछ बनवाते हैं चल के। भाई हमने बर्गर बनवाए यहाँ पे, तो भाई मैंने आपको पूरा खतौली दिखाई दिया, और अब हमारे लिए बन रहे हैं बर्गर। हम खाते हैं बर्गर और उसके बाद निकलते हैं फिर हम यहाँ से। देख सकते हो खतौली से बाहर है नहर के पास में ब्रिज घाट, और अभी बर्गर आने वाला है, खाते हैं फिर हम आगे, दिखाते हैं आपको।
भाई अब हमारा बर्गर बन के आ चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने यहाँ पे बनवाया है और खा के देखा भाई, बहुत अच्छा लगा। चलो मिलते हैं फिर आगे किसी और वीडियो में आपको।